लक्ष्मण के मरने की खबर सुनते ही आखिर क्यों जोर जोर से हंसने लगी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। उर्मिला के हंसने का आखिर क्या था रहस्य, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं सनातनी हिंदू छत्तीसगढ़। तो चलिए अब करते हैं धर्म की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री राम जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण काल में भगवान श्री राम को उनके पिता राजा दशरथ ने कैकेयी के षड्यंत्र के कारण 14 वर्ष वनवास के लिए भेज दिया था। श्री राम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास जाना स्वीकार कर लिया। साथ ही माता सीता ने भी उनके साथ वनवास जाने को तैयार हो गई। परंतु बचपन से ही अपने बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी भी भला कैसे श्री राम से दूर हो जाते। लक्ष्मण जी ने अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा ली और उसके बाद लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर आगे बढ़ रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि मैंने अपनी माता से तो आज्ञा मांग ली और आशीर्वाद भी ले लिया, परंतु अपनी पत्नी से क्या कहूँगा, मैं उसे कैसे समझाऊंगा और यदि बिना बताए जाऊंगा तो वो रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी और बताया तो साथ जाने की जिद करेगी और कहेगी कि श्री राम जी की पत्नी भी तो उनके साथ जा रही है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। ऐसा सोचते हुए जब वो जा रहे थे और जब वो अपने कक्ष के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाल लिए कक्ष के बाहर उनका इंतजार कर रही थी और ये देखकर लक्ष्मण जी भी चौंक गए। जब लक्ष्मण जी उनके पास पहुँचे तो उर्मिला बोली, आप व्यर्थ ही मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, आप अपने बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम की सेवा कर रहे हैं और यही आपका सबसे बड़ा धर्म है और मैं आपके धर्म के मार्ग में नहीं आऊंगी। आपकी सेवा में कोई रुकावट ना आए इसलिए मैं जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने के पूर्व उर्मिला जी ने स्वयं ही उनका संकोच दूर कर दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म होता है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात को जानकर संकोच से उसे बाहर निकाल दे। अपनी पत्नी उर्मिला का इतना प्रेम देखकर लक्ष्मण जी की आंखें भर आई, उनके आंसू अपने आप गिरने लगे और उन्होंने उर्मिला जी को अपने हृदय से लगा लिया। इसी के साथ वहां पर उर्मिला जी ने एक दीपक जलाई और विनती की कि मेरे नाथ के सांसों को कभी भी बुझने मत देना। लक्ष्मण जी वहां से चले गए, परंतु 14 वर्षों तक उर्मिला एक तपस्विनी की तरह घोर तप कर रही थी और वो कठोर तप था नींद। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे संभव है। दरअसल वनवास के समय लक्ष्मण जी हमेशा अपने भाई श्री राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते थे। इसके लिए लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी से एक वरदान मांगा कि पूरे वनवास के 14 वर्षों तक उन्हें नींद ना आए, ताकि वो सुबह दोपहर रात हर समय अपने बड़े भाई और माता सीता की सेवा कर सकें, उन्हें बुरे खतरों से बचा सकें। वे हर वक्त चौंकन्ना रहते थे और इसके परिणाम स्वरूप आप सूर्पनखा का कटा हुआ नाक देख सकते हैं। नींद की देवी ने लक्ष्मण जी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी थी कि लक्ष्मण जी के बदले उनके किसी चाहने वाले को 14 वर्षों तक सोना होगा। और उर्मिला ने अपने पति के इसी वरदान को सफल करने के लिए ये कार्यभार स्वयं ही ले लिया और 14 वर्षों तक उर्मिला सोती रही। उन्हीं की बदौलत लक्ष्मण कभी सोए नहीं। उर्मिला ने जहां एक तरफ दीपक की लौ जलाए रखी तो वहीं दूसरी तरफ गहरी नींद भी दी गई और इसी कारण उर्मिला आज पूजनीय और प्रेरणादायी भी है। कहा जाता है लक्ष्मण जी और मेघनाथ का जब युद्ध हुआ था तब उस समय लक्ष्मण जी को शक्ति भेद बाण लगने से वे मूर्छित हो गए थे, जिस कारण उर्मिला राज्य भवन में जाग गई थी। और इसी के निवारण हेतु जब हनुमान जी हिमालय पर्वत गए थे और वापस आते समय वे अपने साथ पूरा पर्वत ही उठा लाए थे और यह देखकर अयोध्या के राजपाट संभाल रहे भरत जी ने हनुमान को राक्षस समझकर उस पर बाण चला दिए, जिससे हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। चूंकि भरत जी को यह बात पता नहीं थी कि वे पवन पुत्र हनुमान जी हैं,
और वे श्री राम के कार्य से जा रहे हैं। लेकिन जब हनुमान जी को होश आया तब उन्होंने भरत को वनवास और लंका की सारी कहानी बता दी और ये भी बताया कि किस तरह रावण पुत्र मेघनाद ने बाणों से लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया है और उन्हें मूर्छित कर दिया है और इसलिए लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं और उनके लिए संजीवनी बूटी स्वयं हनुमान जी लेने गए थे। जहां एक तरफ लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो वहीं दूसरी तरफ उर्मिला की नींद खुल गई और वह उठ खड़ी हुई। बाद में उनकी भेंट स्वयं हनुमान जी से भी हुई थी। लेकिन एक तरफ जहां माता कौशल्या ने ये सब सुना तो उन्होंने कहा, हे हनुमान, राम से कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, ये उनकी माता का आदेश है। तब ये बात माता सुमित्रा ने सुनी तो कहा, हनुमान, राम से कहना अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी श्री राम की सहायता के लिए युद्ध स्थल में भेज दूंगी। ये मेरे दोनों पुत्र अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में भी आंसू झलक रहे थे, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो वे सोचने लगे कि आखिर ये स्त्री क्यों शांत और प्रसन्न खड़ी है, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं। वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में हैं, तो वो खड़ी होकर हनुमान जी को देखने लगी। जब हनुमान जी ने पूछा कि आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है जबकि आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। इस पर उर्मिला जी ने कहा, हे हनुमान जी, मुझे भला किस बात की चिंता, मैं क्यों चिंता करूं? मेरा जलाया हुआ दीपक अभी भी जल रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे पति अब भी सुरक्षित हैं, उनके प्राणों को कोई संकट नहीं हो सकता। जब तक मेरा जलाया हुआ दीपक बुझेगा नहीं तब तक मेरे पति के प्राण नहीं जाएंगे। ये कहते हुए वो हंसते हंसते वहां से चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि जिसके साथ श्री राम हो उसे तीनों लोकों में कोई नहीं मार सकता। इसके बाद हनुमान जी स्वयं संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर श्री राम जी के पास पहुँचे और जब लक्ष्मण जी होश में आए तब उर्मिला स्वयं ही अपने कक्ष में जाकर सो गई, क्योंकि ये वही वरदान था जो अपना कार्य कर रहा था। रावण का वध करने के बाद जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वापस अयोध्या आए तब उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या में राज्य किया। लेकिन एक समय उपरांत अचानक ही अयोध्या में काल आ गया, यानी कि काल के देवता यमराज। उन्होंने श्री राम जी से विनती की कि कृपया करके हमें एक खाली स्थान पर वार्तालाप करनी होगी और उस वार्तालाप को अन्य प्राणी नहीं सुन पाए, अगर कोई सुनेगा तो आपको उसके प्राण लेने होंगे। ऐसे में श्री राम और काल देवता आपस में वार्तालाप करने लगे और द्वार पर पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया स्वयं लक्ष्मण जी को। तभी उस समय वहां पर दुर्वासा ऋषि आए जो स्वयं श्री राम जी से मिलना चाहते थे। लक्ष्मण जी ने बहुत मना किया, तब दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर कहा कि अगर वह जल्दी ही श्री राम से नहीं मिले तो वे पूरी अयोध्या और उनके वंश को श्राप दे देंगे। ऐसे में डर के कारण लक्ष्मण जी स्वयं उस कक्ष में प्रवेश कर गए, जहां पर उन्होंने देखा कि वहां काल के देवता भी थे जो श्री राम से बात कर रहे थे और वो अचानक वहां से गायब हो गए। भगवान श्री राम को ना चाहते हुए भी अपने भाई अर्थात लक्ष्मण जी को राज्य से निष्कासित करना पड़ा, और राज्य से निष्कासित करना यानी अपना देह त्यागना। ऐसे में स्वयं लक्ष्मण जी ने जल्द ही राज्य छोड़कर अपना देह त्याग दिया। जब ये बात स्वयं उर्मिला जी को पता चली तो वो भी जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, मेरे पति ने सदैव धर्म का पालन किया, उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का हमेशा पूजा किया और उनकी सेवा की और माता सीता की भी सेवा की, और आज अयोध्या वासियों को और हमारे वंश को बचाने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा दोष अपने सर पर लिया और अपना देह त्याग दिया। ऐसे बोलते हुए जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए।